हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल। आप लोगों को हैप्पी न्यू ईयर, और आज से नवरात्र भी स्टार्ट हो रहे हैं, इसलिए सभी को हैप्पी नवरात्रि। अभी हम स्टार्ट करते हैं सिल्वर माइक्रो की क्या एनालिसिस रहने वाली है, आज हम किस तरह से ट्रेडिंग करने वाले हैं, क्या स्ट्रेटजी बनने वाली है। उससे पहले आप लोगों को बहुत बहुत थैंक यू, जिस हमारी 4K लगभग सब्सक्राइबर आज पूरे हुए हैं। तो अभी हम फर्दर आगे देखते हैं कि क्या हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए, और साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलिए, जिससे आपको टाइमली अपडेट मिलती रहे। साथ में नोटिफिकेशन के लिए भी आप ट्रैक करना चाह रहे हैं और टाइमली अपडेट चाह रहे हैं, तो बेल आइकन डेफिनेटली दबाइए। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि जो हमारा टेलीग्राम का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसमें मैंने आपको कुछ रेंज दिया था कि 68,200 के नीचे निकलेगा तो ये फास्ट मूव आएगा, और उस केस में आपको जो SL लगाना था 68,550 में ट्रेल करते हुए लगाना था। तो इस वजह से हम धीरे धीरे करके इसमें ट्रेडिंग करते हैं, और अपने जो भी सेटअप रहते हैं उस बेस पर रहते हैं, सारी चीज़ें टेक्निकल बेस पर रहती है। तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब हम चार्ट पे आ गए फ्रेंड। तो चार्ट की अगर हम बात करते हैं, तो सबसे पहले जो आप यहाँ पे देख रहे हैं सपोर्ट लाइन, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इसको मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मार्केट रुका है, जब भी आया है, चाहे ऊपर से नीचे आ रहा हो या फिर नीचे से ऊपर जा रहा हो, लेकिन ये मल्टीपल टाइम टेस्टेड है। अगर ये धीरे धीरे करके ऊपर निकलता है, दोबारा ये डाउन साइड आता है, तो फिर इसको रोकने के चांसेस कम होंगे। लेकिन अभी मार्केट फिलहाल रुका हुआ है, और इन केस ऊपर निकलता है, जो इसकी प्रीवियस रेड कैंडल बनी हुई है, अगर हम उसको देख लेते हैं, तो जो ये कैंडल बनी हुई है इसके ऊपर निकलता है, लगभग वो 600 के अराउंड में है, तो ये थोड़ा सा ऊपर जा सकता है दोबारा 800 होते हुए 69,000। ये रेंज इसके लिए जो इसने पूरे दिन बनाया है अभी, रेंज इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसका मैक्सिमम मिनिमम लेवल जो मार्केट डिसाइड करने वाला है वो यही रेंज रहने वाला है, जो कि 69,520 से लेके नीचे की तरफ 68,248 के अराउंड में है। इनकेस अगर इसको ये ब्रेक करता है, तो फ्रेंड्स इसको 68,000 होता हुआ नेक्स्ट मूव इसको 67,800 के लेवल में आने के चांसेस रहेंगे। लेकिन ये सारी चीज़ें जो मैं आपके लिए एनालिसिस करता हूँ, बताता हूँ, यहाँ मैंने आपके लिए बोला था 68,200 के नीचे निकलेगा, 200 के आसपास जाता है, लेकिन ये बॉडी इसकी क्लोज नहीं करती। जो भी हम ट्रेड करते हैं क्लोजिंग बेस पे करेंगे, तो हमें बहुत ही अच्छे प्रॉफिट होने के चांसेस होंगे। जैसे यहाँ पे मार्केट कंटिन्यू टाइम पे अप डाउन अप जा रहा था, उसके बाद में एक बॉडी ने क्लोज किया, फिर नेक्स्ट ने इसका फॉलो अप आया, उसके बाद में रैली आती है, ऐसे ही एक कैंडल क्लोज करती है, फिर इसके नीचे ब्रेकडाउन करता है, तो फिर हमें इस तरह से मूव के लिए ही यहाँ पे देखना होता है। जो भी सडन मूव को पकड़ते हैं उसमें हमें चांसेस तो होते हैं कि हम मूव को कैप्चर कर लें, लेकिन उसमें जो हमारा विनिंग रेशियो होता है केवल 30% होता है, और 70% चांस में हमें लॉस होने के चांसेस रहते हैं। तो यहाँ अगर ये ऊपर निकलता है, तो हम थोड़ा थोड़ा बाइक की अपॉर्चुनिटी देखेंगे, लेकिन अगर आपने यहाँ पे सेल साइड अपॉर्चुनिटी बना रखी ले रखी है, तो आप यहाँ पे थोड़ा सा अपना SL इस कैंडल के आसपास लगा के रखिएगा, और यहाँ से एग्जिट होने के प्रयास करिएगा, क्योंकि हमने पोजीशन ले जाने के लिए तभी आपको बोला था जब इसके 68,200 के नीचे जाएगा, तभी आपको दोबारा से 400 से 500 पॉइंट दिखा था, लेकिन यहाँ से रिकवर कर गया है। तो अभी हम इसको पोजीशन में अगर आपने कन्वर्ट किया है, तो जैसे मार्केट ओपन होता है आप उसमें निकलने का प्रयास करिए। नेक्स्ट अगर हम देख लेते हैं, इसके बाद में जो हमारा सेटअप रहता है वो 4 आवर का रहता है, वहाँ से हमें कन्फर्मेशन मिलती है, और मैं जो भी एनालिसिस करता हूँ इसका, मैं सिंपल जो सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है टेक्निकल एनालिसिस के बेस पे रहता है, और साथ में मैं कमोडिटी एक्सचेंज को भी ट्रैक करता हूँ, तो इन दोनों को आप मिक्स करके अपने सेटअप को देख सकते हैं। अब ओवरऑल अगर ये 4 आवर में देखते हैं, तो ये कुछ नीचे से हैमर टाइप के कैंडल बनाने का प्रयास किया है, और हैमर कितनी स्ट्रांग है, ये हैमर का फॉलोअप आने के बाद में क्लियर होता है, और ये अगर यहाँ से ऊपर निकलती है, तो फिर ये दोबारा इसके लिए 69,000 का लेवल बनता हुआ दिख रहा है 4 आवर सेटअप के लिए, और जब तक ये इसको 69,000 के ऊपर क्लोजिंग बेसिस पे कवर नहीं करती है, तब तक ये ऊपर मार्केट के लिए जाने के चांसेस कम रहेंगे। तो ये ऊपर और नीचे इसके लिए रेंज हो चुके हैं, मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है ये सारे सपोर्ट क्यों है, रेजिस्टेंस क्यों है, इसके लिए आप मुझे पिछली वीडियो को जाके देख सकते हैं। फर्दर डाउन मूव अगर आता है फ्रेंड, तो ये सारे मूव सभी स्ट्रांग हैं, लेकिन इतनी डाउन मूव आने के चांसेस अभी फिलहाल दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, तो इस वजह से हो सकता है रेंज बाउंड रहे, या फिर रेंज बाउंड होते हुए धीरे धीरे अपसाइड की तरफ शिफ्ट हो सके। डेली टाइम फ्रेम में अगर आप देखने की कोशिश करते हैं, तो डेली टाइम फ्रेम में कैंडल बहुत अच्छे तरीके से इंगल्फ कर लिया है। अब यहाँ का अगर फॉलोअप आता है जो इसने इंगल्फ किया है, तो फिर यहाँ तो ये नेगेटिव सेंटीमेंट दिखा रहा है, और डेली आवरली टाइम फ्रेम में सपोर्ट को रिस्पेक्ट कर रहा है, तो दोनों में बहुत ही कन्फ्यूजन है। तो इस वजह से जब मार्केट ओपन हो जाता है, उसके बाद में आप डिसाइड करिएगा कि हमें अप जाना है या डाउन जाना है।
क्योंकि अगर दोनों वन साइड में होता, नीचे से अगर ये ऊपर की तरफ ग्रीन कैंडल क्लोज करते तो हम इसमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली देते। लेकिन इन केस अगर ये मार्केट डाउन ओपन होता है तो फिर नीचे जाने के चांसेस रहेंगे, डाउन होने के चांसेस कम है। अगर ये थोड़ा सा भी रेंज में भी खुलता है तो मार्केट धीरे धीरे करके 69,000 को एक बार टच करने के लिए जाएगा, लेकिन आपको स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा के रखना है, तभी यहाँ पे आप सेफ साइड प्ले कर सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, ये हमारी अभी आज की एनालिसिस है। कैसी लगी बात जरूर लाइक कमेंट सब्सक्राइब करके बताइएगा, और आज का भी जो रेंज रहने वाला है वो हाई और लो मार्क कर लीजिए, प्रीवियस डे का इसी रेंज में रहने वाला है। इसके ऊपर और नीचे जब भी मूव आएगा आपके लिए बड़े मूव मिलने के चांसेस आएंगे। जब तक इस रेंज में रहेगा तब तक हमें छोटे छोटे मूव को कैप्चर करना है 200 पॉइंट 300 पॉइंट के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स।